हेलो क्रिकेट फैंस, स्वागत है आपका गेम ऑन क्रिकेट मैच के चैनल में। आज हम बात करेंगे उस रोमांचक मुकाबले की जिसमें वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को हराकर लगातार तीसरी T20 सीरीज जीत दर्ज की है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वेस्टइंडीज ने किस तरीके से साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। वेस्टइंडीज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह T20 क्रिकेट के असली बादशाह हैं। ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 179 रनों के लक्ष्य को बखूबी डिफेंड किया। साउथ अफ्रीका की टीम जो कि एक समय पर 3 विकेट के नुकसान पर 129 रन पर शानदार खेल रही थी, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में साउथ अफ्रीका के लगातार विकेट गिरते रहे, इस वजह से साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से सिमट गई और 30 रनों से यह मुकाबला हार गए। दोस्तों, रोमारियो सेफर्ट और समर जोसफ ने इस जीत की मुख्य भूमिका निभाई। रोमारियो सेफर्ट ने 15 रन देकर 3 विकेट झटके वेस्टइंडीज की तरफ से, वहीं पर जोसफ ने 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए। साउथ अफ्रीका की शुरुआत शानदार रही, लेकिन आखिरी 36 गेंदों में 7 विकेट गंवाने से उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई। वेस्टइंडीज के लिए साई होप ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने केवल 22 गेंदों में 41 रन की पारी खेली और अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। उनकी लेग साइड पर स्पोर्ट खेलने का अंदाज काबिले तारीफ था। हालांकि साई होप का विकेट पैट्रिक कुरगर ने लिया, जिसने साउथ अफ्रीका को कुछ राहत दी, लेकिन वह काफ़ी नहीं था। साउथ अफ्रीका की तरफ से रिजा हेंड्रिक ने 44 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही साउथ अफ्रीका की टीम बिखर गई। अखिल हुसैन और गुलडेज मोर्टिन ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज केवल 149 रन ही बना सके और यह मैच 30 रनों से हार गए। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने लगातार तीसरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली है। यह जीत वेस्टइंडीज की आत्मविश्वास को और भी बढ़ावा देगा, खासकर जब वर्ल्ड कप T20 नज़दीक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप T20 में ऐसे ही प्रदर्शन कर पाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ गेम ऑन क्रिकेट मैच को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।